ये कौन सा बिजनेस खोल दिया बाकी सबका चल रहा है दूल्हा का है दुल्हन का है हमारा अलग ही चल रहा है भाई ये हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग एकदम चकाचक। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है यार ये जूम क्यों हो रहा है इतना मेरे समझ नहीं आ रहा। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग एकदम चकाचक हो। तो अभी मैं तैयार तैयार होकर खड़ा हूँ यहाँ पे देखो कार की चौक में और सामने देखो मिटका खड़ी है ना। तो अभी सीन कुछ ऐसा है मुझे लग रहा है शादी वाला फोटोग्राफर बनना पड़ रहा है। कभी शादी में जा रहा हूँ कभी सगाई में। तो आज है गिन्नी की सगाई। पिछले व्लॉग में आपने एक लड़की देखी अभी मैं बोल रहा था अगर आपने देखा हो कि गिन्नी की सगाई है। बस तो नहीं आ रही बस पे भी ध्यान देना ना। तो यहाँ से कोटदार जा रहा हूँ मैं देहरादून से कोटदार। तो अभी मैं कारगिल चौक पर बस का इंतजार कर रहा हूँ उसके बाद थोड़ी देर में गाड़ी मिल जाएगी तब कोटदार चलेंगे उसके बाद आगे का तब आपको आगे बताएंगे। लेकिन कोटदार अभी परसों भी गया था लेकिन सगाई उसकी 22 तारीख को। अभी ये व्लॉग जब भी आएगा लेकिन 22 तारीख को उसकी सगाई है आज। तो वहीं के लिए मुझे पहुँचना है उसने बोला था यार तू भी आ जाइए तो मैंने कहा चलो अच्छा। और अभी अभी सुबह मेरे को छोड़ने आई सुबह सुबह ये देखो रोडे से आती रहेगी इधर से दिखाता हूँ यार वरना ये ना घर पे जाके कहेगी मैं काली आ रही थी। सो गाइस इसके मुंह पे धूप इसलिए चमक रही है क्योंकि ना मीना मुंह धोया आएगी घर से। अच्छा बात नहीं है। अरे फुट के सीधा आ गई पता क्यों कहती फिर नींद कंटिन्यू रहती है घर जाके अगर मुंह धो लूंगी तो दोबारा नींद नहीं आएगी। देहरादून अभी तो ऋषिकेश की है मराना है दिल कोटदार जाना और ऋषिकेश वैसे तो जानी पाए हैं अब खूब बिठा रहे बस में ऋषिकेश की। चलो भाई लोग इंतजार करते हैं अब जरा गाड़ी का धूल मिट्टी उड़नी शुरू हो गई है। कल रात ना तगड़ी बारिश हुई रात को देहरादून में लेकिन पता नहीं लग रहा देखो यहाँ बारिश हुई है थोड़ा बहुत पानी भरा होगा कहीं पर लेकिन कल बहुत अच्छी बारिश हुई तो इस चक्कर में ठंडा था तो इसलिए मैं जैकेट पहन के आया हूँ। अब इंतजार करो ये देखो बिना मुँह धोए आने से यही होता है। तो गाइस अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मैं 7:20 पे यहाँ से निकल चुका हूँ क्या बोलते हैं हरिद्वार से वो देहरादून से हरिद्वार के लिए। बहुत शोर हो रहा है यार बस का और खाली है बस देखो। चलो भाई ठीक 8:30 मतलब मैं 7:20 पे बैठा था 8:30 मैं पहुंच गया हूँ यहाँ आपका चंडीगढ़ पुल है ये सामने। और अब कोटदार के लिए यहाँ से देखते बस मिलती है कि क्या मिलती है। और यहाँ से नीचे सामने देखो गंगा जी बह रही है मस्त दिखनी दी होंगी खैर। तो भाई अपना प्लेन कर चुका है कोटदार में लैंड और अब जाएंगे हम अपने गंतव्य पे। वैसे मेरे को गिन्नी ने बताया था यार पता नहीं इधर ही कहीं है जहाँ पे मतलब पार्टी जहाँ पे मतलब इंगेजमेंट का वो है फंक्शन वगैरह। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि घर चला जाऊँ पहले उनके उनका घर भी यहाँ से ज़रा दूरी है यहाँ पे मेट्रो याद आ रहा है यार रेलवे स्टेशन है ना उसके पास ही है उनका घर। तो सोच रहा हूँ पहले घर चला जाऊँ अभी देखता हूँ। पर भाई आज इतना घुमा के लाया है ना मतलब वो मेरे को लग रहा है कि मैं पहले ही एक तो हरिद्वार रुड़की देहरादून घूम लिया अभी इस तरफ आया हूँ तो उसने बोला थोड़ा नजीबाबाद साइड भी घूम लो पूरी बस घुमा के लाया उत्तराखंड परिवहन वाला। पर खैर अब पहुँच गए अब ज़रा पहले फ़ोन वगैरह मिलाते हैं तब बात करते हैं आपसे। 5 minutes later तो अभी मैं हूँ ये ठीक नजीबाबाद चौराहा बोले तो वीर बाला तीलू रौतेली चौक कोटद्वार। फ़ोन करके पूछ लिया है तो जाना कहीं नहीं है कहते घर नहीं सब इधर ही आ गए हैं। तो ये रहा सामने रेस्टोरेंट देखो माई चॉइस रेस्टोरेंट सिद्धवली स्ट्रीट के ऊपर तो वहीं पे अभी मैंने भैया को बुलाया है तो अब चलते हैं सीधा वहीं पे मिलते हैं आपको। रोड बड़ी देख के पार करें अगर आपको आदत ना हो तो बहुत ही ध्यान से पार करने का रोड। हेलो गाइस राजी नमस्ते बे नमस्ते चलो चलो पता है ना तेरे को काफी जाना है पता कर लेंगे। यार मेरे को पहली बार पता चला सिद्धवली स्ट्रीट के ऊपर रेस्टोरेंट है। भैया से मिली आप देहरादून से अभी मैं पहुंच चुका हूँ ये देखो ये है रेस्टोरेंट ऊपर अभी लोग आए नहीं है अभी खाली खाली है देखो अभी सब भैया ताऊजी लोग आए। हेलो गाइस ताऊजी हमको फिर से मिले हैं
फिर से मिले, अभी हम रुड़की मिले थे, फिर हम मिले, अब कोटदार मिल गए, कोटदार में मिल गए। आप अभी आए हैं ताऊ जी? हाँ हाँ बताइए। और गाइस ये है सामने, क्या लाना? पानी, पानी? आते ही काम पे लगा दिया, तो रहन दो फिर। एक बार फिर से मुलाकात, लेकिन फिर से सेम चीज़, नमस्ते का कोई नाम निशान नहीं है। जिस दिन ये नमस्ते कर देगा ना, उस दिन भाई साहब समझ लो देश सुधर गया। तो गाइस मेरे को तैयार भी होना, लेकिन मेरे को अभी तैयार होने के लिए जगह नहीं मिल रही है। भैया यार जगह कराओ मेरे लिए कोई, एकदम लिफ्ट में तैयार हो जाए, लिफ्ट में। हाँ लिफ्ट में, तब तक कोई बटन दबा देगा लिफ्ट चालू करते रहेंगे ना। और अभी यहाँ पर देखो पूजा की तैयारी चल रही है, थोड़ी देर में होगा माहौल शुरू। अभी तो लोग देखो आए नहीं है, कम है, अभी बहुत कम लोग हैं। इधर है भाई। A few moments later. तैयार होने का मौका मिल गया है, कमरा खाली पड़ा था लेकिन हम बाहर इंतजार कर रहे थे। अब फटाफट से तैयार होता, वैसे भी 5 मिनट तक अपने को तैयार होने में। और भैया यहाँ पर एसी चला के फुल देख लो 16 डिग्री कर दिया है। थोड़ी देर में यहाँ पे मनाली बन जाएगा, तब तक मैं तैयार होके आता हूँ, ठीक है? चार्ज लगा दे फोन को यार। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया, इधर आ। टैंग टैंग। बड़ी देर बाद मैं ना पता तैयार ही हो रहा था, तब तक ना लड़के वाले आ गए थे। मैंने उनको बोला भैया 5 मिनट रुको, पहले अमन काला व्लॉग्स तैयार होगा फिर तुम तैयार होना, ठीक है? ठीक लो ना सर, बड़ी एकदम। यहाँ पर दोनों चाचा जी और ताऊ जी व्यवस्था देखते हुए, थोड़ी थोड़ी व्यवस्था यहाँ भैया भी देख रहे हैं। हेलो गाइस, बात बता, तू बोल तेरी सगाई है, है? बोलने लायक नहीं बची यार कुछ। क्यों नहीं बची, तू इतना बढ़िया मेकअप करके आई है। बस भाई प्यारी समझ गई। गाइस यार ये पीछे ना देखो स्पीकर चल रहा है, तो इसके चक्कर में मेरा कॉपीराइट आ जाएगा, तो गाना कम कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और फिर गाना बढ़ा के फिर चला दे रहा हूँ नॉर्मल माहौल। गाइस अभी हमारे साथ धोखा हो गया बहुत बड़ा, इससे पिछली आधे घंटे से हम फोटो खींच रहे थे, लेकिन करप्ट हो गया इसका कार्ड। अब यहाँ पे जुगाड़ बिठाया जा रहा है, देखो लड़के लोग अपना अलग ही टंटे खोल के बैठ जाते हैं बीच में। बाकी सबका चल रहा है, दूल्हा कहाँ है दुल्हन कहाँ है, हमारा अलग ही चल रहा है भाई। हमारा है कि पेन ड्राइव में डाटा मूव हो जाए बस। डॉन तो आप लग रहे थे डांस पिछले वाले डांस देखा था उनका भाई, बिल्कुल वो कह रहे हैं भैया हमको भी सिखा वाला डांस। चश्मा अच्छा लग रहा है, ये देखो कौन आया गंजा। बाल कटा के है लेकिन आज तू उस दिन तू ऐसे आया था बिल्कुल चारों दिशाओं सुन कर एक बराबर यार। मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया गाइस, क्या करें अब हम इसका। किस्मत भाई किस्मत। गिन्नी आज किसी ने तेरे को मीनाक्षी नाम से बुलाया? हाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच गई है। पूजा वगैरह हो गई समाप्त? हो गई पूजा हो गई, अभी रह रही है। तो गाइस बात कुछ ऐसी है, अभी चल रही है पूजा सामने वहाँ पे, और यहाँ चल रही है अपनी पेट पूजा। और यहाँ पर देखो सारे लोग हैं अभी बैठे हुए, ये नया वाला नहीं, भाई तो पुराने ही है, भाभी नहीं है, वो पुरानी वाली भाभी है। एक साल हो गया। और अभी बीच में से भाई गायब है, वो चटनी लेने गया। उधर भी है कौन भाभी? हेलो करो, वो और पुरानी हो तो इनकी एनिवर्सरी भी आज, भाभी को हैप्पी एनिवर्सरी। और एक भाई अभी चटनी लेने गया है, पहले ये भाई लेके आया हरी चटनी वाली है, देखो पहले लाल चटनी लाया सिर्फ, लेकिन भाभी ने क्या किया कि दोबारा भेजा भाई को हरी चटनी के लिए। ये देखो भाभी कितना खाती है, फूल भरा हुआ है। अब पहले भाई हरी चटनी नहीं लाया, फिर गलती हो गई, फिर दोबारा भेजा। और एक भाई देखो सामने से आ रहा भी अभी, देखो ये आए भूमि पे नए भाई, प्लेट दिखाओ मुकुल, मम्मी बुला रही। ये देखो भाई प्लेट दिखाओ, ये वाली ये देखो, इनको दोबारा भेजा गया हरी चटनी लेने के लिए। और एक है ये,
अरे उधर आप उधर जाओ ना आप भी। जिनकी आज एनिवर्सरी है भैया, हैप्पी एनिवर्सरी। कौन से साल वाले हैं? 8 साल ऐसे के भैया ऐसे कर रहे हैं। 8 साल हो गए। इन्हें बधाई हो, बधाई हो। एक डब्बा नहीं खुले नुती से अभी कद का गिफ्ट खुलनी थी। गिन्नी यार मुंह पे एकदम बोल ले, बहुत बोल रही थी, मैं फोड़ूंगी उसके मुंह पे, मत मार दियो। गिन्नी अलवा ऐसे तो दिखाई इधर को ये सबास 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 दे यार, ये बच गया यार, थोड़ा इसे उड़ा दे। गाइस ये होता है पार्टी पॉपर, अब इसको यहाँ रख देते हैं। चल चल बैठ जाओ आप चुपचाप से। हो गई भैया आपकी फोटो। गाइस ब्लॉग बनाने आया था, फोटोग्राफर बना लिया। अरे भाई भाई भाई, ये कौन सा बिजनेस खोल दिया? नया बिजनेस है भाई, इसमें पैसा ही पैसा है, पैसा। बेकर बन चुका है ये देखो, अमन काला व्लॉग जो है बेकर बन गया। गाइस गिन्नी के बर्थडे का केक आ चुका है, आज गिन्नी का हैप्पी बर्थडे है, ये देखिए। पर ऐसे कैसे हो गया? लेकिन दो दो दिनों का है, कैंडलिया हाथ में जलाएगी लड़की। हमने कैमरामैन बहुत रखे हुए हैं यहाँ पर, देखो एक कैमरामैन, दो कैमरामैन, 3, 4, 5, 6 बड़े से बड़े कैमरे सब है, हर तरीके का कैमरा है यहाँ पर। ध्यान से देखिए इस शख्स को, इसी की सगाई एकदम क्लोज। ये है अमन काला व्लॉग्स, देखो कितना बिजी है बेचारा। देख लो भाई अपकमिंग डीएम है ये बॉडी की, देख लो, देखो मूवी भी बना रही है। यही फोटो यही वीडियो अपलोड होगी जब ये डीएम बन जाएगी। काटो अब काटो भाई। ला भाई बड़ू का पना, बड़ू का पना। पहली बार है कोई केक खिला रहा, वरना लगा देते हैं। गिन्नी बड़ू का पना। ये सामने केक है महंगा वाला, ये हमने खा लिया है, तो अब समय आया है खाना खाने का। और खाने में आज क्या क्या बना है देखिए, यहाँ से मिक्स वेज है, पनीर है, दाल मखनी है, चावल है, प्लेट है, इनके क्या है हमारे यहाँ। बहुत तमीज़ से खाना लेके आऊँगा इस, देख लो ये देखो डिफरेंस, देख लो आप, देखो कितना आप डिफरेंस देख लो सगोर का। अभी बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा इसके ब्लॉग में, कितना खाता है ये भैया। बिहाइंड द सीन्स में अमन बदल ले, कम बोल ठीक है, कम बोल है, कम बोल कम फेमस कर दूंगा नहीं। हाँ गाइस, अबे यार टीका फैल गया, चल कोई बात नहीं तो सह लेंगे थोड़ा। तो गाइस अब सब के सब जा रहे हैं, चलो। सो गाइस ये देखो अभी भी फोटोशूट चल रहा है यहाँ पर तगड़ा, वहाँ पर मुकुल का पिछले एक घंटे से। तो तैयारी हो चुकी है जाने की भाई, मेरी एक आधा फोटो खींच दे अब तू फटाफट से ले। ओ भाई मेरे चश्मा भी दे दे,
ओके ताऊ जी बाय 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 बाय। तो चलिए गाइस अब देखो पूरा खाली हो गया है, अब पोछा मारने का यहाँ कोई इरादा नहीं है, तो अब सारे निकलेंगे और यहाँ पे गिन्नी गिफ्ट लेके घूम रही है। जीजा जी ने दिया होगा ना? नहीं यार जीजा ने। क्या दिया फिर? हाँ यार क्या दिया? अबे अच्छा बात नहीं है। आईफोन नहीं मिला यार इसको जीजा जी, आईफोन नहीं मिला, आईफोन नहीं मिला तेरे को? आईफोन नहीं मिला। अबे यार, अबे यार ये तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिलेगा। हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ ना, ये भी काफी और सुबह जल्दी जाएंगे या अभी जाएंगे कहते हैं, है ना? चलो गाइस भाई रास्ता तो नहीं बताना, देखो यहाँ से नीचे उतरना है। मैं तो इसी रास्ते आया था भाई, मैं तो उधर से आया था लिफ्ट से, मैं यार था नीचे यार। गाइस सब जा रहे हैं अब धीरे धीरे, मैं अभी चलता हूँ। तो गाइस अब चल रहे हैं यहाँ से बाहर, देखो यहाँ कोई बचा नहीं है, सब बाहर चले गए, ये सिर्फ केटरिंग। ठीक है जी, फिर पता नहीं है तो किसका ले जाता हूँ, मिल जाओ नीचे ले जाते हैं, किसी का होगा तो ठीक है। हाँ हाँ चलो। तो गाइस अब चल रहे हैं यहाँ से बाहर, अब भाई देख तू अब अंदर जाएगा ना कुछ भी मांगेगा सीधा तेरा बिल कटेगा। अब पूरा फंडिंग रख के कोल्ड ड्रिंक मांगेगा सीधा बिल कटेगा। जैसे लास्ट टाइम गाइस हम थर्ड फ्लोर पे थे, ये सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, देखो यहाँ पर सेम ये शायद डिनर वनर के लिए। जल्दी मेन्यू बता दे, जल्दी मेन्यू बता दे। ये है माय चॉइस रेस्टोरेंट, आप दिखा दे भाई, ये देखिए। हेलो गाइस, तो भैया सीन कुछ ऐसा है, अब हम जा रहे हैं चाची और के घर नीचे। पहले मेरा ऊपर जाने का प्लान था मावा कोट, लेकिन फिर भैया और ने बोला कि अभी हम जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने रुक गया बहुत, लेकिन कोई बात नहीं। चाचा ने बहुत फोर्स किया है, चाचा नहीं चाची, चाची और अतुल। तो गाइस अभी बस जा रहे हैं यहाँ आने के लिए। हाँ ये वाले चाचा ने वो तो है नीचे आने के लिए। हाँ कन्फ्यूज कर दिया आप हमको, फोर्स कर रहे थे मावा कोट के लिए। हाँ और गाइस देखो बस ही बसें लगी हुई हैं आज, ये GMO के बस स्टैंड पर पहुँच गए हम काफ़ी लंबे टाइम बाद जाएंगे। यहाँ से आगे सामने एयरपोर्ट है, वहाँ से जाएंगे हम सीधा पार रेलवे स्टेशन यार, एयरपोर्ट हवा में आती है ना खिड़की से। तो थकान थकान के चलते गाइस हमने मंगाया है सिकंजी बना देना एकदम कड़क वाली नींबू सिकंजी, और ये यहाँ से एयरपोर्ट है देखो सामने उत्तर रेलवे कोटद्वार। तो गाइस अभी हम हैं गिन्नी और के घर पे, हम क्या मतलब सभी लोग हैं यहाँ पर, और मतलब आ तो हम पहले गए थे 6 बजे आ गए थे, लेकिन अब समय 8 बजे के पार हो चुका है। तो अभी कुछ चल रहा है, खाना वाना चल रहा है, यहाँ बनाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर भाभी रोटी बना रही है, और गिन्नी नहीं बना रही है रोटी ऐसे मत समझना, पर गिन्नी कुछ और काम कर रही है यहाँ पर। हाँ आज ये गिफ्ट मिले आज ना खूब ससुराल बैठे, तो कोल्ड ड्रिंक बट रही है अभी क्या सब, एक आदमी का भी अगर कम पड़ा तो वो गिफ्ट मांग लेगा। नहीं एक आदमी का भी अगर वो कम पड़ा गिलास तो गिफ्ट छीन लिया जाएगा तेरे से। ये देखिए दारू नहीं पीते गाइस हम यही पीते हैं अभी, हमने इसके साथ के लिए नशा रखा हुआ कांगे वो ये है हमारा। अभी जादू देखना ना ना अभी जादू देखना ये इसी से तो जान बढ़ती है इसकी। अरे पहले पिला तो दे, अबे ऐसे मत डाल बह जाएगा भैया। ये ले 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 पियो 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 पियो, इसमें इसमें नमक डाल। अब बताओ कैसा हो रहा है, आ रहा स्वाद? बताओ तो यार तारीफ तो कर लो। बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत से बनाया गिन्नी ने। गिन्नी किस खुशी में आए? मांगो नहीं थे यार, अच्छा तभी नहीं तभी पिला। चल अब चल यार पिप्पे यार, अकेले अकेले पी लिया यार, सब सिखा के आए ना तो कुछ नहीं हुआ। वही तो हम पहले सिखा के आए थे भैया कि ऐसे बोलना कि आगे निकमाले नहीं तो तब पिलाया। अब बोल रहे हैं तेज़ आ तुम पर किले जवान लड़की नहीं, इसमें दम ऐसे होता है। ए इतना सर पागल हो गई है, चिमकाने जरा डालूंगी। गाइस तो बताओ आप देख रहे हो गाइस, इसको खूब कलचों में पिला दिया मैंने, अब दीदी बोलना सीख ले हाथ से।
अब मेरा ब्याह हो गया, देख लेना तुझे। आप कौन? गुड मॉर्निंग गाइस। तो क्या बोलते हैं, कल वाला व्लॉग हम एंड नहीं कर पाए, अभी सुबह का समय है, तो मैंने कहा एंड कर देते हैं। तो आई होप आपको इस व्लॉग, आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और गिन्नी की सगाई का व्लॉग था। तो चलो ये हो गया है, और अब यहाँ से अभी मैं चाची और के घर पे हूँ। चाची और का घर कहाँ? काशीरामपुर तल्ला। हाँ, काशीरामपुर तल्ला। तो अभी यहाँ से जाऊँगा गाँव, तो कंटिन्यू करेंगे अगले व्लॉग में। अब तक के लिए आपको करते हैं गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय।